हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग जा विजिट करने जाने वाले हैं और शिवांश जा चुका है स्कूल, उसको हम नहीं लेके जा रहे हैं अपने साथ। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं। इस टाइम हो रहे हैं 11 o'clock होने वाला है और हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, फिर हम जल्दी से निकलते हैं। और अब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है एंड अभी कुछ ही टाइम बचा है, बस 2 महीने बचे हैं। और फिर आज हम दिखा के आते हैं कि कैसा है, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी हम डॉक्टर को दिखाएंगे। यहाँ पे मिस्टर बिंदल तो हम पूरे रेडी हैं और जल्दी से बस ब्रेकफास्ट करके हम फटाफट निकलते हैं। तो आपको मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। तो ये है फ्रेंड्स मेरा ओवरऑल लुक। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 11 हो रहे होंगे, चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ और मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा। मैंने लगाई है लैक्मे की लूमी क्रीम मॉइस्चराइजर। से शिवांश के बिना निकल रहे होंगे और शिवांश को हमने स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि स्कूल की छुट्टी नहीं कराना चाह रहे थे हम, और वीकडेज पे जा रहे हैं। आज वीकेंड का प्लान नहीं किया तो सोचा कि शिवांश को स्कूल में भेज देते हैं एंड देन हम निकल लेते हैं। आज का कुछ इस तरह का प्लान था हमारा। और स्कूल शिवांश की जैसी छुट्टी होगी उससे पहले ही आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। रूटीन चेकअप है और कुछ टेस्ट होंगे आज, तो होपफुली शायद वहाँ पे हो जाए या फिर बाद में लैब से कराने पड़े, तो देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, क्या रेट है? तो फ्रेंड्स बीच में हमने पेट्रोल भरवाया है क्योंकि पेट्रोल हो रहा था ख़त्म और मिस्टर बिंदल को हो रही थी टेंशन क्योंकि एक बार हमारी जो शिवांश के टाइम में प्रेगनेंसी है उसमें हम ये भुगत चुके हैं। हम एक फ्लाईओवर पे अटक गए थे, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो हम टाइम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस बार कोई रिस्क नहीं लिया हमने और पेट्रोल भरवा लिया टाइम से रहते हुए आराम से। एक मिनट, ये लोग कहीं कभी कहीं का टर्न ले लेते हैं। तो फिर हमने टाइम रहते हुए पेट्रोल भरवा लिया इस बार, क्योंकि पिछली बार वो हमें एक आर्मी मैन थे ना, आर्मी नहीं थे, वो CISF वाले थे शायद। नहीं, हापुड़ का एक नॉर्मल बिजनेसमैन ही था, बट नहीं बिजनेसमैन नहीं थे वो, बिजनेसमैन था तो उसने हमें हेल्प करी थी। मेरे ख्याल से वो आर्मी की थी वो, एक हापुड़ का कोई बिजनेसमैन था, उसने हमारी हेल्प करी थी। और मैं अकेले हाईवे पे कार में बैठी रही हूँ, मैं काफी डर चुकी थी, मतलब अकेले। मैं एक्चुअली उनकी गाड़ी में जाके फिर आगे जाके पेट्रोल पंप से बॉटल में पेट्रोल लेके आए थे, तो पेट्रोल भी फिर डलवाया गाड़ी में, फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट भी करवाई। बहुत मतलब कई बार आपको ऐसा सबक मिलता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मतलब और एक कोई बंदा ऐसा आता है आपकी लाइफ में उस टाइम पे कि हाँ वो एकदम ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉपर एक भगवान के रूप में हमारे सामने आए हैं और हमारी हेल्प करी है, क्योंकि उस टाइम पे कोई अब आजकल की लाइफ ऐसी हो चुकी है। हो सकता है वो देख भी रहे हो ये ब्लॉग अब वो तो खैर हमें भी नहीं पता, वो अब उनकी शक्ल वकल हमें भी याद नहीं है ठीक से, पर आ जाएगी याद अगर सामने आएंगे। पर एक्चुअली होता क्या है कि आजकल ना लाइफ में कोई भी किसी की हेल्प करने के लिए नहीं रुकता है, बेसिकली बात ये होती है। बहुत ही रेयर होते हैं जो लोग हाँ ठीक है पूछ लेते हैं कि भाई क्या है, क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, तो
और उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, तो मतलब एक दो को रोका भी, फिर हर कोई ऐसे ही शाम का टाइम भी हो रहा था, शाम का टाइम था लाइक 6:30-7 मतलब दिन छिपने वाला टाइम था, और बस यही था कि हाँ किसी तरह पेट्रोल मिल जाए, डल जाए और हम वापस पहुंच जाए। वापस के हम लोग जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ, उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ गए थे। फिर तो चीजें याद आ जाती हैं, आज हमें वो इंसिडेंट याद आ गया एकदम से। अब बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा और लग गई, बट फिलहाल अब सही है कि हाँ भाई भर गया है पेट्रोल। और अभी डॉक्टर का टाइम तो 1 बजे तक बैठेंगे डॉक्टर, तो आराम से उनसे मिल लेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमें काफ़ी टाइम लग गया, मैम उठ के चली गई थी, फिर से बैठी हैं दोबारा, और आज तो बहुत डांट पिटी है। मैम ने बोला है कि ग्रोथ थोड़ी कम लगी है उन्हें, और बहुत कम, मतलब वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टली बोल रही थी कि ग्रोथ काफ़ी कम है। और एक्चुअली मेरी आयरन कैल्शियम भी नहीं चल रही है, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी कि हाँ भाई मैं अभी तक कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे एंड मैं नहीं ले पा रही थी। मैम कह रही थी साइकोलॉजिकल है ये सब। ओके, तो हमें उन्होंने वो डुप्लर कलर डुप्लर करवाने के लिए बोला है, वैसे तो वो 8 मंथ्स में करवाती हैं, वैसे तो 8 मंथ्स में होता है, बट उन्होंने मेरे को जल्दी बोल दिया कि नेक्स्ट वीक वो कराना पड़ेगा और उसमें वो चेक करेंगी। और क्या क्या बोला है, बाकी हाँ वो लेटने के लिए बोला है कि साइड्स पे ही लेटें और कुछ नहीं। तो आज का थोड़ा सा हमारा ऐसे ही रहा है आज, मतलब काफ़ी सुनने को मिल गया मैम से, बट होपफुली अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और लेट्स सी, और अभी हमारा ग्लूकोज वाला टेस्ट भी होना है, तो वो भी कराना है। 2 घंटे आपको लाइक एक वो होता है पीने का, उसको पी के 2 घंटे बाद आपको टेस्ट कराना होता है, तो उसके साथ यूरिन प्लस ब्लड टेस्ट भी होगा, जिससे कि आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ चेक की जाती है कि वो तो नहीं है, तो वो कल उसका टेस्ट करवाते हैं। एंड लेट्स सी, फिर हमको मैम के पास फिर से जल्दी ही आना पड़ेगा। और ये था आज का अपडेट, अभी हम जा रहे हैं वापस घर, 12:30 हो चुके हैं, और शिवांश का भी बस टाइम होने ही वाला है, उसको भी पिकअप करना है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और थोड़ी सी लाइक अब वही मिक्स फीलिंग आ जाती है वापस से कि हाँ भाई ठीक है मैम ने ऐसा सब कुछ बताया है, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर लग जाता है। एंड आप लोग प्रे करना सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो बस। और मैं आपको मिलती नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और दैट्स इट। कमेंट करके बताइएगा व्लॉग कैसा लगा, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्द बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.